उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन बचे हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पिछले वर्ष के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी। अभी तक यात्रा मार्गों पर स्थित 94 जीएमवीएन के गेस्ट हाउस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग और 3,70,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब पर्यटन मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान हर स्थिति से निपटने के लिए एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की स्थापना देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है, जो पूरे यात्रा काल के दौरान प्रतिदिन 7 से रात्रि 8 बजे तक संचालित रहेगा। पंजीकरण करवा रहे हैं और यात्रा शुरू होने से पूर्व ही यात्रा मार्गों पर स्थित जीएनवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। उसे देखकर संभावना है कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछले वर्ष से 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। चारधाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित 94 जीएनवीएन के गेस्ट हाउसेस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग और 3,17,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग सहित ये टोटल जो है ये 11,75,62,711 की बुकिंग करवा ली गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित रहेगा। वर्तमान में भी यह संचालित है।